चीजें बोल रहे हैं, नशे का कारोबार लोग तो बोल रहे हैं, मगर शराबबंदी के बारे में तो बातें नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ क्या कह रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री के बयान से ये बात तो आपको स्पष्ट है ना कि छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले के साथ में हुक्का बार यहाँ चल रहा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी केवल निर्देश देते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं होता। शराब के जहां तक बात है, अब ये नवंबर में चुनाव हुआ था, ये नवंबर आएंगे तो सरकार के 3 साल हो जाएंगे। उनके मंत्री का बयान आया है कि हम एक झटके में बंद नहीं करेंगे, अब कितने झटके में बंद करेंगे ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन नियत स्पष्ट ये है कि ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। घोषणा कर चुके हैं, वोट ले लिए हैं और जनता को यहाँ धोखा दे रहे हैं। राजस्व की चिंता नहीं है बल्कि दूसरे राजस्व की चिंता है और इसके कारण में ये टाल मटोल कर रहे हैं और नियत इनके बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे कि पूर्ण शराबबंदी की जो बात की है उसको अमल करेंगे, ऐसे इनके कई घोषणाएं हैं। आप लोग इस पे क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ आप लोग की रणनीति है कुछ उसको फिर से मार? देखिए हम लोग विधानसभा में पिछले बार उठाए थे, अशासकीय संकल्प लाए थे कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। हम लगातार इस बात को जो उनके घोषणा पत्र है उसकी याद दिला रहे हैं और अपने घोषणा पत्र को अमल करने की जवाबदारी कांग्रेस की है और नहीं करेंगे तो अभी समय है, फिर देखेंगे उस विषय में हम क्या सरकार को याद दिलाने के लिए और जो करने की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। सरकार बार बार ये कहती है कि जो कमेटी बनी है बीजेपी उसमें अब तक अपने मेंबर नहीं बनाई है, जबकि अन्य पार्टी बना चुकी है, केवल धरातल पे इस तरह के राजनीति। देखिए अन्य पार्टी भी नहीं बनाई है, केवल उसमें बसपा के लोग मेंबर एक बने हैं, बाकी किसी पार्टी के नहीं बने हैं। मेंबर हम लोगों ने बता दिया है कि हमको देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नियत ठीक है, शराबबंदी करनी है तो उसमें अब मेंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप शराबबंदी करिए और शराबबंदी करेंगे हम उसका विरोध करेंगे, तब आप बात करना कि आप लोग उसमें आए नहीं और आज विरोध कर रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी की आपने बात किया है, वादा आपका है, निभाना आपको है, इसलिए ये बहाना मत करें कि बाकी लोग मेंबर नहीं भेज रहे हैं। क्या शराबबंदी की घोषणा किए तो भाजपा को पूछे थे क्या कि हम शराबबंदी की घोषणा करेंगे तो आप उसमें बैठेंगे और उसमें विचार विमर्श करेंगे? अरे आपने वादा किया है, आपको निभाना है, आप निभाइए, उसके लिए पूछने के क्या हो सकता है? देखिए हाथी को तो ये रोकने का क्या है, धान कितना खिलाए हैं, कहां पर धान है, कितना खिलाए, हाथी को बोल रहे थे कि धान खाने से मान जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी को धान नहीं खिलाए, सफेद हाथी धान खा गए और इसके कारण में हाथी जो है लगातार विचरण कर रहा है। लेमरू प्रोजेक्ट को तत्काल घोषित करने चाहिए, हाथियों को विचरण का जगह मिलेगा। हाथी और मनुष्य का जो द्वंद है, वास्तविक में ये संघर्ष की जो स्थिति है, जनहन की भी हानि हो रही है और धनहन की हानि हो रही है, ऐसे स्थिति में सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है। मुझे लगता है तत्काल उसके घोषित करने की आवश्यकता है और उस पर काम शुरू होना चाहिए लेबर प्रोजेक्ट पर। देखिए पिछले बार विधानसभा में कमेटी बनाई गई फीस निर्धारण को लेकर के, मुझे लगता है कि साल भर से ऊपर हो गए, लेकिन उसका क्या उसके नीचे तक धरातल में क्रियान्वयन है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो आरटीई के अंतर्गत में बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल को, कोविड काल में उनकी अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे में उनका अधिकार है कि आरटीई का पैसा उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार के द्वारा अभी तक राशि नहीं दी है जिसके कारण उनको स्कूल संचालन में दिक्कत आ रही है और ये उनका अधिकार है, पहले भी देते रहे हैं, अब भी देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार देने रही है, उनको तत्काल देना चाहिए, कम से कम उनको हड़ताल में या धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े, शिक्षा के क्षेत्र में है और इसलिए ये सरकार को तत्काल उसके अविलंब भुगतान करने चाहिए, ऐसा मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा। धान कटाई शुरू हो गई है और खास करके महामाया है और 1010 है, बड़े तेजी के साथ धान कटाई शुरू हो रही है, दीपावली के खर्चे के लिए लोग मंडी में जाना शुरू कर दिए हैं। उप समिति की बैठक इनके हुए थे लेकिन आज तक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। 1 नवम्बर को धान की खरीदी की जानी चाहिए, अर्ली वैरायटी लगभग 1 नवंबर के पहले सारी कटाई हो जाएगी,
और मुझे लगता है कि स्वर्णा धान बाकी धान की भी कटाई शुरू हो जाएगी। यदि तारीख की घोषित नहीं करेंगे तो औने पौने में धान बेचने को किसान मजबूर होगा। इनके जो लाभ मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का, वो समर्थन मूल्य के लाभ से किसान वंचित हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में तत्काल मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि किसानों के हितैषी सरकार है तो किसानों के लिए हिला हवाला क्यों। इसलिए 1 नवंबर की तारीख हम लोग मांग भी करते हैं और किसान भी चाह रहे हैं कि 1 तारीख 1 नवंबर से धान की खरीदी हो। 1 नवंबर राज्योत्सव है और राज्योत्सव मतलब प्रदेश का उत्सव है, तो ये किसानों के उत्सव के रूप में बदले, इसलिए 1 तारीख को सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार यदि चाहे, नियत यदि ठीक हो, तो 1 तारीख के खरीदी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों बार ऐसे हुए हैं कि 1 तारीख को खरीदी हुई है। अभी ये चाहेंगे तो खरीदी हो सकती है, लेकिन सरकार की नियत इसमें ठीक नहीं है। और कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि आधे जो धान है उसके जो अंतर है समर्थन मूल्य के बाद में उनको देना ना पड़े। पिछले बार कई किसान इससे वंचित रहे हैं, किसानों को परेशानियां हुई है और सरकार की मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत है, जिसके कारण में व्यवस्था अभी तक नहीं बना पा रही है न ये घोषणा कर रही है। इनको तत्काल घोषणा करने की आवश्यकता है। देखिए बाकी में भी विवाद है, नोटिफिकेशन कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जनता में उसको लेकर के जिला बनाने की जो बात है उसमें जनता में संतुष्टि नहीं है। जैसा जनता चाह रही है वैसा जिला नहीं बन रहा है और ये तो पूरा विवाद में ही फंस गया है। मुझे नहीं लगता कि उसका निराकरण हो, क्योंकि मनेनगढ़ से लेकर के आपका चिरविरी से लेकर के जिस प्रकार से वहाँ पर तीनों जो बातें आ रही सोनहत से लेकर के, तो विवाद में फंसा हुआ है। पहले उसका परिसीमन करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, दावा पत्ती बुलाना चाहिए और दावा पत्ती बुलाने के बाद में घोषित करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि आनंद फानंद में घोषित कर दे, बने ना बने क्या करना है, हमने जिला बनाया और जिला हमारे बना रहे बन रही है, इतना कहने के लिए उनके पर्याप्त है। मरवाही अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, ना कोई सेटअप वहाँ पर बना, ना कुछ हुआ है, ना कलेक्टर बैठने की जगह है। पुराने जो हमारे अस्पताल है उसी अस्पताल में आज भी बैठ रहे हैं, वहाँ का चुनाव भी हो गया, तो अब जो जिला बनेगा उसका भगवान मालिक है कि कब उसका सेटअप में आएगा और कब अस्तित्व में आएगा। देखिए राहुल गांधी जी यहाँ पर चुनाव में आए थे और सारे वादा करके गए हैं, अब यदि उनकी सरकार निकम्मी निकल जाए तो उनको बॉस को बताना पड़ेगा, और अच्छा कर रहे हैं उनको बताएंगे तो शायद कान पकड़े तो कार्रवाई उस पर हो। देखिए उनके अधिकार क्षेत्र में है घोषित करने का, 365 दिन में जितना और छुट्टी घोषित कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में वैसे ही पैसा है नहीं, काम कुछ हो नहीं रहा है, उनको भी मालूम है कि प्रदेश में काम तो कुछ है नहीं और इसलिए जितना घोषित करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं इस विषय पे केवल इतना कहना चाहूँगा कि वास्तविक में जिस प्रकार से प्रदेश में आज अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, मुख्यमंत्री जी कलेक्टर की समीक्षा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी SP IG की समीक्षा ले रहे हैं, ताला लगातार टूट रहे हैं, सीक्वेंस में टूट रहा है ताला, तो आखिर आपके समीक्षा का असर कहां पर दिखाई दे रहा है, उसका कोई दिखाई तो देना चाहिए ना। देखिए राज्य सरकार अनुशंसा भेजती है और जब राज्य सरकार अनुशंसा देती है तब केंद्र सरकार के द्वारा ये बातें आती है, तो राज्य सरकार ने दिया है तो केंद्र सरकार स्वाभाविक रूप से घोषित करेंगे। इसलिए राज्य सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कहां देना है नहीं देना है, कहां विरोध है, तो ये राज्य सरकार के ही कारण ये संभव हुआ है। अभी आज का जो 2 दिन पहले का जो मामला है कि आपका ये बालोद जिले में ग्राम पंचायत कोचवाही आश्रित गांव अमलीपारा सिद्ध कुमार नेताम 26 वर्ष का आदिवासी लड़का है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना उनके पिता के नाम से स्वीकृत हुई थी, 1 किस्त की राशि उनको मिली, उसके बाद में राशि दे नहीं रहे हैं और इसके कारण में लगातार जो उनके देनदारगी है दुकान वाले आकर के लगातार उनको मांग रहे हैं, इसके प्रताड़ित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आखिर प्रधानमंत्री जब स्वीकृत है
उस आवास की राशि क्यों नहीं दी जा रही है। और यह एक मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में लगभग इसी प्रकार के मामले हैं कि प्रधानमंत्री आवास की राशि केंद्र से आ गई है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण में लाखों जो गरीब है प्रधानमंत्री आवास से वो वंचित है। इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, उसके परिवार से मिलना चाहिए और 50 लाख रुपए उसके परिवार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार के गलती के कारण में उन्होंने मरा है। और ऐसे स्थिति में इस पर जांच भी होनी चाहिए और 50 लाख रुपए सिद्ध कुमार के परिवार को मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि सरकार के गलती के कारण उन्होंने आत्महत्या किया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ में इस सरकार को छोड़ दो तो कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, 15 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन इस सरकार में आने के बाद में क्यों सांप्रदायिक दंगे हो रही? तो इसका कारण है कि सरकार जानबूझ करके उन्माद फैला रही है। और बदले की राजनीति, मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से धाराएं लगा रहे हैं, जिस प्रकार से यहां पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, तो सीधा सीधा इन्होंने धमकाने की भाषा में इन्होंने कहा है कि सख्ती से निपटना है। सख्ती से निपटने का आशय क्या है कि जब यहां पर यदि दंगे सांप्रदायिक नहीं है तो किसके साथ में सख्ती से निपटेंगे? और कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, हमारा शांत छत्तीसगढ़ है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में यहां पर सांप्रदायिक दंगे, धर्मांतरण, हिंसा, अनाचार, ये घटनाएं घट रही है। सरकार इसके लिए खुद जवाबदार है। और ये जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को उनको बदलनी चाहिए। देखिए, जसपुर की घटना आप देखे हैं कि प्रभारी के सामने कैसे उलझ रहे हैं, माइक छीन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बोलने से मना कर रहे हैं। नीचे तक दो गुट और कांग्रेस का अंतरकला फूट करके अब सामने आ गया है। धक्का मुक्की होना, आवाज को दबाना, इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि सरकार को लेकर के नाराजगी व्यक्त करना। लोग अपने समस्या से पीड़ित हैं, कोई काम हो नहीं रहा, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कोरबा की बैठक में ये बात आई थी कि लगातार उसके बाद में आज राजनांदगांव में कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए वहां जो घटना आ रही है, वहां जो मारपीट, जो धक्का मुक्की किया अग्रवाल के साथ में, कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजनांदगांव में किस जिला किस अध्यक्ष को हटाने की बात आ रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को दबाने का काम, और यहाँ जो मंत्रियों के जो दरबार लगाई जा रही है, उस दरबार में भी कार्यकर्ता आ रहे हैं और बता रहे हैं कि अधिकारी बिना पैसे के हमारे काम नहीं कर रहे हैं। वास्तविक में पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेस पूरे नीचे तक ऊपर से लेकर के डिवाइड हो गया है और अंतरकला से कांग्रेस जूझ रही है। इसको कितना भी दबाने का प्रयास करे, दूरियां बढ़ेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इतने बहुमत के बाद भी आज किसान हो, बाकी लोग हो, त्राही त्राही मचा हुआ है, ये कांग्रेस के आपसी लड़ाई का परिणाम जनता भुगत रही है। क्या लगता है 1 तारीख से खरीदी हो पाएगी, सरकार की तैयारी हो गई? देखिए, संघ के कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है और संघ प्रमुख आते रहते हैं, उसी क्रम में यहाँ पर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आना हम सबके लिए अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में जो भी आए उनका स्वागत है और हम लोग स्वागत करेंगे। मत्कुदीप के नहीं, अलग अलग स्थानों पर हुए, आप देखें पहले दुर्ग में एक कार्यक्रम हुआ है, रायपुर में हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, तो अलग अलग स्थानों पर होते हैं। तो मत्कुदीप में करें, बहुत रमणीय स्थान है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, कि एकाध दो मत्कुदीप आइए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने काम किया है और कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी पूरे बंद कर दिए हैं। वास्तविक में बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के पर्यटन के दृष्टि से है
लोग वहाँ पर आते हैं, बोटिंग करते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, और इसलिए वहाँ ऐसे ऋषि मुनियों का, संतों का जगह रहा है वो, तो वहाँ कोई भी आएंगे उनका स्वागत है। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम हैं सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।